बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी स्टूडेंट्स, काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह दोबारा जो चैप्टर्स रह गए हैं वो कंटिन्यू करूंगा और मुकम्मल करता हूं। तो चैप्टर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं 4 चैप्टर्स अपलोड कर चुका हूं, कंप्यूटर साइंस 10 क्लास जो अभी सिलेबस चाह रहा है। स्मार्ट सिलेबस आपको मैं बता देता हूँ, मार्क कर दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक बोर्ड ने स्मार्ट सिलेबस में शामिल किए हैं और कौन से टॉपिक बोर्ड ने कैंसिल कर दिए हैं। प्लस आपको मैं शॉर्ट और लॉन्ग बता देता हूँ किस तरह के आ सकते हैं पेपर्स में। पहले आपको मैं सिलेबस बता दूं, सिलेबस देखते हैं। सिलेबस है, चैप्टर का नाम है सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। पेज 61 जो है इंट्रोडक्शन वाला वो करना है। उसके बाद ये आपके सामने लिखे हुए हैं कुछ फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस करने हैं। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं और ये इकट्ठे मिला के लॉन्ग भी आ सकते हैं इनका। चंद साल पहले बोर्ड में एक लॉन्ग आया था जिसमें 4 फंक्शन, उसने कहा था कि इन चारों को डिफाइन कर दें विद एग्जाम्पल, तो वो फिर दो दो नंबर मिलाएं तो 8 नंबर ही बनते हैं, यानी एक लॉन्ग बन जाता है। मैं ये भी बता दूं कि चैप्टर 3 से पक्का एक लॉन्ग आता है पिछले 10 सालों से। उसके बाद पहले या दूसरे चैप्टर में से एक लॉन्ग आता है और तीसरा जो लॉन्ग है वो पांचवें या छठे चैप्टर में से आता है। इसलिए ये पांचवा चैप्टर बड़ा अहम है, इसमें से भी लॉन्ग आने का चांस होता है। उसके बाद ये पेज 61-67 तक सारे हैं। उसके बाद एक लॉन्ग सवाल है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, और नीचे इन्होंने एक्सरसाइज के बहुत से सवाल दे दिए हैं। इसमें से कई टॉपिक ऐसे हैं जो ऊपर बोर्ड ने मेंशन नहीं किए मगर नीचे उसने बता दिए, तो आपको मैं इसलिए बुक के अंदर से सारे मार्क करा देता हूँ। आपने बस मेरे साथ चलना है, जो टिक करा रहा हूँ मैं वो तैयार कर लेना है। पहला पेज है पेज नंबर 61। इस चैप्टर का आपके पास बुक होगी, ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा जो टिपिकल शॉर्ट क्वेश्चन है। डेफिनेशन क्या होगी कि व्हाट इज़ अ फंक्शन या व्हाट इज़ सब प्रोग्राम क्या होता है या मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये आपका पहले आधी लाइन, उसके बाद अ सेपरेट से लेके रिटर्न अ वैल्यू तक आएगा। फिर एक और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बन जाएगा कि फंक्शंस क्या होते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन फंक्शन की, सिर्फ एक ही लाइन होती है फंक्शंस की पास। उसके बाद दूसरा मेन शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ बिल्ट इन फंक्शन, वो या व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ बिल्ट इन फंक्शन। यहाँ से स्टार्ट करेंगे दीज फंक्शन से लेके और ख़त्म कर देंगे फंक्शंस तक यहाँ पर। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन टिपिकल जो बनता है वो है कि न्यूमेरिक फंक्शंस क्या होते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और न्यूमेरिक रिजल्ट तक करने के बाद ख़त्म नहीं करेंगे बल्कि दो तीन फंक्शंस के नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल ABS फंक्शन आप बता दें, दो तीन नाम नीचे बता देने हैं, INT फंक्शन एंड SQR फंक्शन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये इसके साथ लाजमी लिखना होगा। अब आगे आपके फंक्शन जो आपने तैयार करने हैं, ये अलग-अलग शॉर्ट भी आ सकता है और इकट्ठे मिला के लॉन्ग भी बन सकता है। तो ABS फंक्शन करना है, बोर्ड ने सिलेबस में शामिल किया है, इसका पर्पज़, इसका फॉर्मेट और उसकी एग्जाम्पल करनी होती है यहाँ पर। इंटीजर फंक्शन भी करना है, इसका पर्पस और फॉर्मेट और इसका एग्जांपल करनी है। फिर SQR फंक्शन भी करना है आपने। उसके बाद साइन फंक्शन भी करना है। साइन फंक्शन के बाद आपने फिक्स फंक्शन कैंसिल हो गया ये नहीं करना। उसके बाद जो टैब फंक्शन है ये आपने करना है, इसकी एग्जांपल भी करनी है। फिर R&D फंक्शन भी करना है, इसका पर्पस आ गया, इसकी एग्जाम्पल। उसके बाद लॉग फंक्शन करना है, SPC फंक्शन कैंसिल हो गया, बीप फंक्शन कैंसिल हो गया, डेट फंक्शन करना है आपने, इसकी एग्जाम्पल जो है वो ये वाली नहीं नीचे करनी, बस यहाँ तक करने के बाद कोई इसका एक ऑप्शन दे के और यहाँ से ये आखिरी एग्जाम्पल खाली कर दें इसकी, ये वाली बस। ये प्रिंट डेट्स, नीचे डेट आ जाएगी और बस ओके आ जाएगा, ये खाली लिख देना एग्जाम्पल के तौर पर। फिर डेफिनेशन आ गई, टिपिकल शॉर्ट क्वेश्चन बन गया कि व्हाट इज स्ट्रिंग फंक्शन, तो ये दो लाइनें आ जाएंगी स्ट्रिंग फंक्शन तक, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेंथ फंक्शन यानी LEN फंक्शन ये नहीं करना, कैंसिल हो गया। उसके बाद वैल्यू फंक्शन करना है, ये बोर्ड के सिलेबस में शामिल है, वैल फंक्शन यानी वैल्यू फंक्शन। फिर मिडल फंक्शन करना है यानी मिड फंक्शन करना है आपने, इसकी एग्जाम्पल है। स्पेस फंक्शन कैंसिल हो गया ये नहीं करना, राइट फंक्शन करना है लेकिन लेफ्ट फंक्शन कैंसिल हो गया, ये राइट फंक्शन करना है और लेफ्ट फंक्शन कैंसिल हो गया। फिर करेक्टर फंक्शन यानी CHR फंक्शन आपने करना है। पहला जो एक टिपिकल लॉन्ग है, मैं बता चुका हूँ कि या तो लॉन्ग ऐसे भी हैं जो कि इन शॉर्ट को मिला के बन जाते हैं और एक प्योर लॉन्ग भी आते हैं, जैसे ये लॉन्ग है बोर्ड में आ चुका है कि राइट ए नोट ऑन यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड डेफ FN स्टेटमेंट। तो यहाँ से स्टार्ट होगा,
इसी के अंदर फिर डेफ एफ एन स्टेटमेंट का जिक्र आ जाएगा कि वो क्या होती है, फिर उसके अंदर उसका साइंटिस आ जाएगा, उसके बाद एक्सप्रेशन की डेफिनेशन आ जाएगी, इंटरप्रटेशन आ जाएगी और उसके दो एग्जाम्पल हैं। अगर आप दो एग्जाम्पल नहीं कर सकते यहाँ तक भी कर लें तो तब भी ठीक है, नंबर इंशाल्लाह पूरे 8 मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल कर लें, लेकिन यहाँ तक भी कर लें तो नंबर पूरे मिल जाते हैं। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सब रूटीन, एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। सब रूटीन डेफिनेशन पहले यहाँ से लेके आपने सब रूटीन तक करनी है और नीचे एक लाइन में एग्जाम्पल दे देनी है कि गो सब रिटर्न स्टेटमेंट एंड ऑन गोस्ट सब स्टेटमेंट्स आर यूज फॉर सब रूटीन, यहाँ तक। और दूसरा लॉन्ग बन जाएगा जो टिपिकल लॉन्ग है, लॉन्ग नंबर 2 पे, और राइट ए नोट ऑन गो सब रिटर्न स्टेटमेंट। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, पहले इसका पर्पज़ आ जाएगा, पर्पज़ के बाद रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है, उसके बाद इसका सिंटैक्स बताना है, सिंटैक्स के बाद इनकी एग्जाम्पल लाजमी बतानी है। एग्जाम्पल के बगैर मैं बता रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल नहीं होता, यहाँ पर आके टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। फाइल हैंडलिंग सारा कैंसिल है सिवाय दो शॉर्ट क्वेश्चनों के, वो है प्रोग्राम फाइल करना है और डाटा फाइल करनी है आपने, ये अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ये एक्सरसाइज में भी ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, व्हाट इज़ प्रोग्राम फाइल एंड व्हाट इज़ डाटा फाइल, अगर दोनों का डिफरेंस आ जाए तो अंडरस्टूड है कि ये चीज़ें दोबारा लिख देनी है, बाकी सारा एंड तक आपका फाइल हैंडलिंग सारी कैंसिल है, ये सारा कैंसिल है, ऑल कैंसिल, रीडिंग, वो अरबी में कहते हैं हाज़ा कुल्लो कैंसिल, कुल्लो खलास, ये सारा कैंसिल है, क्लोजिंग ऑफ फाइल ये भी कैंसिल है, सारे प्रोग्राम अंडरस्टूड, रैंडम फाइल कैंसिल है, सिक्वेंशियल फाइल कैंसिल है, राइटिंग रीडिंग रिकॉर्ड्स ऑल कैंसिल है, एक्सरसाइज आगे, एक्सरसाइज का पहला सवाल फिल द ब्लैंक कैंसिल है, एमसीक्यू करने हैं, एमसीक्यू का पहले का ऑप्शन सी है, दूसरे का ऑप्शन भी सी है, तीसरे का ऑप्शन भी सी है, जो फोर्थ एमसीक्यू उसका ऑप्शन डी है, पांचवें का ऑप्शन सी है, छठे का ऑप्शन डी है, सातवें का ऑप्शन डी है और आठवें का ऑप्शन भी डी है। उसके बाद दो रह गए एमसीक्यू, इसका ऑप्शन बी है और लास्ट वाले का ऑप्शन सी है। प्रूफ ऑल नहीं करने, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ये आपके सामने डिफरेंस आ गया, यूजर डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन दोनों की डेफिनेशन लिख देनी है आपको, अंडरलाइन करा चुका हूँ अभी। सब रूटीन और फंक्शन, फंक्शन मैं बता चुका हूँ पहले पेज पे, और सब रूटीन अभी मैंने गो सबसे पहले आपको अंडरलाइन करा के दे दी है तो वो लिख देना है। ये लॉन्ग सवाल आ गया, राइट डिस्क्राइब, जहाँ भी लोग डिस्क्राइब लिखा हो उसका मतलब है तफसील से बयान करना, ये तीनों सवाल करने हैं, चौथा भी करना है, पांचवा भी करना है और छठा करना है, सातवां भी कैंसिल है और आठवां भी कैंसिल, ये दोनों कैंसिल है, ये सातवां भी कैंसिल है और ये आठवां भी कैंसिल है। उसके बाद नौवां और दसवां करना है, ये वही अभी थोड़ी देर पहले मैं आखिरी आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ कि डाटा फाइल प्रोग्राम फाइल क्या, ये लिख देना है। ये वो फंक्शन है जो मैं बता चुका हूँ कि हालांकि बोर्ड ने सिलेबस में ये फंक्शन शामिल नहीं किए थे, मगर क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड ने कहा था करना है, ये देखें क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, तो इसलिए 10 में फिर ये जो एक्स्ट्रा फंक्शन है साइन टैब एसक्यू ये सारे करने हैं। क्वेश्चन 11, 12 और 13 भी करना है, जबकि 14 कैंसिल है और 15 भी कैंसिल हो, ये इतने ही करने। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी चैप्टर नंबर 6 की, और उसके बाद फिर हमारे एक चैप्टर नंबर 7 रह गए। अपना ख्याल रखिए, सी यू, नमाज पढ़ते रहा करें, दुआ करते रहा करें, सबके लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून।